गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू कम्प्लीट द चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर. सो इट विल बी द पार्ट 3 ऑफ द सेम चैप्टर. सो इफ यू हैव नॉट वॉच द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्लीज गो एंड वॉच इट फर्स्ट बिकॉज विदाउट वॉचिंग द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे. सो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं. और इससे पहले वाले क्लास में मैं बता रहा था कि किस प्रकार से ईश्वरन जो है वो महिंद्रा के लिविंग क्वार्टर में एक टीवी की कमी को पूरा करता है. दैट मीन्स कहने का मतलब कि ईश्वरन के होने के कारण महिंद्रा को टीवी की कमी फील नहीं होती है या टीवी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो अब आगे आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन. वन मॉर्निंग व्हेन महिंद्रा वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड. एक सुबह जब महिंद्रा अपना ब्रेकफास्ट कर लिया ईश्वरन पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर. क्या आज की रात मैं कुछ स्पेशल खाना बना सकता हूँ सर, या आज की रात के लिए कोई ख़ास भोजन मैं बना सकता हूँ सर. आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे. और ऐसे भी आज का जो दिन है वो एक शुभ दिन है. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एनसेस्टर्स टुडे सर. और परंपराओं के अनुसार आज जो है हम बिल्कुल विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट भोजन जो है अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए बनाते हैं सर. दैट नाइट महिंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स. और उस रात महिंद्रा जो था वो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन को एंजॉय किया, मीन्स बहुत ही खुशीपूर्वक ग्रहण किया. और ईश्वरन की जो पाक कला थी, ये जो कुलिनरी स्किल्स होती है यानी कि भोजन तैयार करने की जो कला थी, उसकी वो प्रशंसा किया. कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रशंसा करना. ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिस अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल. वो बहुत ही ज़्यादा खुश प्रतीत हुआ, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, जैसा कि उम्मीद नहीं था. लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिस अकाउंट, वो बिल्कुल एक बहुत ही भड़कीला कहानी सुनाना शुरू कर दिया इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल. और उस कहानी में वो बिल्कुल अलौकिक शक्तियाँ मीन्स भूत प्रेत से जुड़ी हुई जो कहानियाँ होती है वैसी बातें करना शुरू कर दिया. यू नो सर, आपको पता है सर, दिस इंटायर फैक्ट्री आर एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड. ये जो पूरा का पूरा फैक्ट्री एरिया है जहाँ पे हम सभी अपना पेशा चला रहे हैं, वो एक समय ब्यूरियल ग्राउंड हुआ करता था, मीन्स कब्रिस्तान हुआ करता था. ये स्टार्टेड, वो शुरू हो गया, यानी कि वो कहना शुरू कर दिया. महिंद्रा वॉज जर्कड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेफरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील. इस बात को जैसे ही महिंद्रा सुना, उसे बिल्कुल एक झटका सा लगा. और जो वो खुशी वो उस संतोषजनक भोजन ग्रहण करने के बाद प्राप्त किया था, वो खुशी बिल्कुल एक झटके में निकल गई. आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पथ. मैं इस चीज़ों को बिल्कुल पहले दिन से ही जानता था, जब मैं यहाँ पे रास्ते में एक मानव कंकाल को लेटे हुए देखा था. इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स. ईश्वरन कंटिन्यूड. और ईश्वरन बिल्कुल जारी रखते हुए या आगे सुनाते हुए ये भी बताया कि यहाँ तक कि मैं अभी तक में बिल्कुल बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे जो मानव कंकाल का जो खोपड़ी होता है, स्कल्स एंड बोन्स और हड्डियाँ जो होता है, उसे वो देख चुका है. आप देख सकते हैं ये पिक्चर है, नीचे में कंकाल गिरा हुआ है. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. वो आगे बढ़ते हुए ये भी बताया कि कैसे वो कभी कभार रात्रि में भूत देखता है. आई एम नॉट इजली फ्राइटेंड बाय दिस थिंग्स, आई एम अ ब्रेव फेलो. और वो क्या बताया कि मैं इन सभी चीज़ों से आसानी से नहीं डरता हूँ सर, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ. बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन विच अपियर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून. लेकिन एक जो है भयानक भूत, जो कि एक औरत का भूत है, जो कि जाती है और आती है एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून,
जब फुल मून होता है, मीन्स जब पूर्णिमा की जो आधी रात होती है उस दौरान वो आती है जाती है, ऐसा होता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, ये जो है बिल्कुल एक अगली क्रिएचर है, मीन्स ख़राब या भद्दा दिखने वाली एक प्राणी है। विथ मैटेड हेयर, अपने उलझे हुए बालों के साथ, एंड अ श्रिवल्ड फेस, और सिकुड़े हुए चेहरे के साथ। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फ्लैट्स इन इट्स आर्म, वो बिल्कुल ऐसा दिखती है जैसे कि एक स्केलेटन जो है, एक कंकाल जो है वो अपनी बाहों में एक शिशु को लिए हुए है। फ्लैट्स मीन्स बच्चा होता है। महिंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली, महिंद्रा जो था वो इस डिस्क्रिप्शन को सुनने के बाद, इस वर्णन को सुनने के बाद बिल्कुल कांप गया और बिल्कुल एकदम तेज आवाज़ में चीखते हुए उसे रोका। यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो ईश्वरन। देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट एंड और स्प्रिट्स, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ नहीं होती है, भूत और आत्माओं जैसी। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सभी बिल्कुल तुम्हारी कल्पनाओं का एक बहम है। गेट आउट, गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड, तुम अपने पाचन तंत्र को जांच करवाओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अगर हो सकता है तो अपने दिमाग को भी ठीक करवाओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बिल्कुल मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो। He left the room and retired for the night, वो कमरे को छोड़ दिया और उसके बाद सोने के लिए चला गया। Expecting Iswaran to shulk for a couple of days, वो ऐसा उम्मीद कर रहा था कि ईश्वरन पे वो इस तरीके से अगर गुस्साया है तो शायद वो दो दिन तक उससे बात नहीं करेगा या उससे नाराज़ रहेगा। यहाँ जो शल्क है उसका मतलब होता है नाराज। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगली सुबह वो बिल्कुल सरप्राइज था ये देखकर कि उसका जो कुक था बिल्कुल पहले की तरह ही बिल्कुल खुश मिजाज और पहले की तरह ही बातें करने वाला था। फ्रॉम दैट डे ऑन, महिंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विथ अ सर्टेन अनसीज, और उस दिन से महिंद्रा जो था, जो कि अपनी पूरी बहादुरी वाली बातें करता है, वेंट टू बेड विथ अ सर्टेन अनसीज, वो बिस्तर पे बिल्कुल एक निश्चित अनसीज के साथ जाता है। दैट मीन्स एक निश्चित रूप से एक बेचैनी उसके अंदर होती है, उस बेचैनी के साथ जाता है। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस, प्रत्येक रात वो बिल्कुल अंधेरे में झांकता है या ताकता है। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, अपने बिस्तर के आगे जो विंडो लगा हुआ है उसके द्वारा बाहर की ओर। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, वो ये प्रयास करता है श्योर होने का कि वो उसके आसपास में किसी भी प्रकार का कोई भी डार्क शेप नहीं है जो कि मोमेंट कर रहा, मीन्स इधर उधर आ जा रहा है। विसिनिटी मीन्स आप बोल सकते हैं आसपास ही होता है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन वो केवल एक ही चीज़ वहाँ पे देख पाता था, वो ये देख पाता था अंधेरे का समुद्र। अंधेरे का समुद्र मीन्स बिल्कुल दूर दूर तक सिर्फ उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स मीन्स टिमटिमाते हुए लाइट्स के साथ। ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, और वो जो लाइट्स होती थी वो बिल्कुल मीलों दूर फैक्ट्री की होती थी। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, और वो हमेशा से फुल मून नाइट्स मीन्स पूर्णिमा के दिन की जो मिल्क वाइट लैंडस्केप बोला जाता है, आप लोगों को पता होगा कि पूर्णिमा के दिन जो होता है रात्रि में भी आपको दिखाई देता है। हम ये बोल सकते हैं कि दिन की तरह दिखाई नहीं देता है लेकिन दिखाई देता है। तो उस वो हमेशा से ये जो पूर्णिमा के दिन की जो रातें होती थी उन दिनों को वो प्रशंसा किया करता था या प्रशंसा करना पसंद किया करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स अ स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑलटुगेदर वेन द मून वाज फुल। लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद, या ईश्वरन की फीमेल घोस्ट वाली कहानी सुनने के बाद, वो बिल्कुल खिड़की से बाहर देखना ही बंद कर दिया जब कभी चांद पूरा होता था। दैट मीन्स
पूर्णिमा की रात होती थी। वन नाइट, एक रात, महिंद्रा वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। महिंद्रा जो था वो अपनी नींद से जगा एक लो मून के द्वारा, यानी कि एक हल्की विलाप के द्वारा, क्लोज टू हिज विंडो, जो कि उसके खिड़की के समीप से आ रहा था। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। सबसे पहले तो वो ऐसा सोचा कि शायद एक बिल्ली जो है वो उसके आसपास में चूहों को पकड़ रही है। बट द साउंड वाज टू गुटरल फॉर अ कैट। लेकिन वो जो साउंड था, वो जो आवाज़ था, वो बिल्कुल एक ऐसी आवाज़ थी कि वो बिलीव नहीं कर सकता था कि ये बिल्ली की आवाज़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो साउंड गुटरल था, और गुटरल मीन्स होता है कंठ से निकलने वाली आवाज़। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। बट द वेलिंग बिकेम लॉडर एंड लेस फेलिन। वो सबसे पहले जो अपनी इच्छा थी उसे देखने का, उसे बिल्कुल रोक कर रखा, क्योंकि शायद उसे ऐसा लग रहा था कि एक ऐसा वो साइट रहेगा, एक ऐसा दृश्य रहेगा जो कि उसके हर्ट को रोक देगा। लेकिन जो वेलिंग था, जो विलाप था, बिकेम लॉडर एंड लेस फेलिन, वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा तेज हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा था। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। और वो उसे देखने की जो इच्छा थी, हालांकि टेम्पटेशन का मतलब कहीं कहीं लालच होता है, यहाँ पे आप इच्छा उसका मतलब समझिए, वो उस इच्छा को दबा नहीं सका या रोक नहीं सका। रेसिस्ट मीन्स रोकना होता है। लॉरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट सीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। उसके बाद वो क्या किया, वो अपने विंडो सिल के लेवल में खुद लेट कर, विंडो सिल मीन्स खिड़की का चौखट, सिल मीन्स होता है चौखट, उसमें विंडो लगा हुआ है इसलिए विंडो सिल बोलेंगे, तो चौखट बोलेंगे खिड़की का। वो खुद को खिड़की के चौखट के लेवल में, यानी कि उसी ऊंचाई में खुद लेट कर, ही लुक्ड आउट एट द वाइट सीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। वो बाहर की ओर जो बिल्कुल मूनलाइट का जो वाइट सीट था, दैट मीन्स चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा जो रोशनी थी, उसे वो देखा। दे आर नॉट टू फार अवे। वहाँ बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बाज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। एक डार्क क्लाउडी फॉर्म था, दैट मीन्स एक काले बादल के समान एक आकृति थी, क्लचिंग अ बंडल, जो कि एक बंडल को पकड़े हुए था, एक गट्ठर को पकड़े हुए था। महिंद्रा ब्रोक इंटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिल्लो। इसे देखने के बाद महिंद्रा जो था बिल्कुल उसका पसीना छूट गया, और वो फिर वापस अपने पिल्लों पे गिरा, पैंटिंग। पिल्लो मीन्स तकिया होता है, मीन्स तकिया पे गिरा, पैंटिंग। पैंटिंग मीन्स हाँफते हुए। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्ट्री एक्सपीरियंस ही बिगन टू रीजन विथ हिमसेल्फ। और जैसे ही वो उस भूताहा अनुभव से अपने आप को धीरे धीरे बाहर किया, वो अपने आप को कारण देना शुरू कर दिया, मीन्स क्या कारण रहा होगा ऐसा सोचना शुरू कर दिया। एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट, और अंततः वो ये निष्कर्ष निकाला कि इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, कि निश्चित रूप से ये एक प्रकार का ऑटो सजेशन रहा होगा, एक ऐसा ट्रिक रहा होगा, एक ऐसा जादू रहा होगा जो कि शायद उसके अपने ही लोग, मीन्स अपने दोस्त या रिश्तेदार के ही लोग जो थे, वो ही उस पर प्ले किए थे। बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, और समय के साथ वो सुबह में फिर जग जाता है, हैड अ बाथ, नहाता है या स्नान करता है, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और बाहर अपने ब्रेकफास्ट को करने के लिए निकलता है। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, और बीती हुई रात की जो डर थी या जो भय थी वो उसके दिमाग से अब हल्का हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर। ईश्वरन जो था उसे दरवाजे पे ग्रीट करता है, मीन्स गुड मॉर्निंग बोलता है, विथ हिज लंच पैकेट, उसके लंच पैकेट के साथ, एंड हिज बैग, उसके बैग के साथ। जस्ट एज महिंद्रा वाज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रीनड एंड सीट, और जैसे ही महिंद्रा जो था वो अपना पैर बाहर रखने वाला होता है, ईश्वरन मुस्कुराता है और कहता है, सर
Remember the other day when I was telling you about the female ghost with a words in its arm. Sir, याद कीजिए एक दूसरा दिन जब मैं आपको एक फीमेल घोस्ट विथ अ फ्वाइट्स इन इट्स आर्म के बारे में बताया था. यू वर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स. और आप इस प्रकार की चीज़ों की कल्पना करने के लिए मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे. वेल, अच्छा, यू शाह हर योर सेल्फ लास्ट नाइट. आपने खुद ही कल की रात उसे देखा. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room. क्योंकि मैं बिल्कुल दौड़ता हुआ मैं उस बिलाप की आवाज़ को सुनने के बाद दौड़ता हुआ आया था. That was coming from your room, जो कि आपके कमरे से आ रहा था. A chill went down Mahendraj's spine. ये chill went down in a spine जो होता है एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है पूरा का पूरा बॉडी सिहर जाना. मीन्स महेंद्रा का जो शरीर था वो बिल्कुल सिहर गया या भय से कांप गया. ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस. वो वहाँ पे इसलिए इंतजार नहीं किया कि ईश्वरन अपनी वाक्य को पूरी कर सके. ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैड इट इन हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. वो बिल्कुल भागता हुआ अपना ऑफिस गया और अपने पेपर्स को वहाँ सबमिट कर दिया, जमा कर दिया. ये रीज़न बताते हुए कि वो अगले ही दिन उस हॉन्टेड प्लेस को, उस भूताहा स्थान को छोड़ रहा है. सो ये आप देख सकते हैं आर के लक्ष्मण इसके राइटर हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ. देखिए ये ग्लोसरी है, आप देख सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं. थिंक अबाउट इट है, टॉक अबाउट इट है. आप इन सभी को करने का प्रयास कीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूँगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो कहीं से भी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे दूर करने का भी प्रयास करूँगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको फ़ायदा हो रहा है वीडियो देखने से तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई कर सके. हैव अ गुड डे टू ऑल.